हेलो एवरीवन, आई एम नीतू कैलन। टुडे वी डिस्कस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेकंड चैप्टर में बात कर रहे हैं एजेंट क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बस इतना जान लेते हैं कि एजेंट क्या है। एजेंट कुड बी एनीथिंग, कुड बी डू एनीथिंग विच मेक द डिसीजन लाइक ए ह्यूमन। एजेंट क्या होता है, जो ह्यूमन्स की तरह वर्किंग करता है उसको एजेंट कह सकते हैं। तो इसको समझने से पहले कि एजेंट कैसे काम करता है, व्हाट इज एजेंट, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। तो एजेंट के लिए देखते हैं एजेंट किस पे काम करता है, मीन्स एजेंट को काम करने के लिए किस इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। अब हमें भी कुछ, जहाँ पे भी हमें काम करना है, हमें कुछ इन्वायरमेंट तो चाहिए, तभी तो हम काम कर पाएंगे। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में होता है। तो क्या होता है, एक इन्वायरमेंट है, एंड यहाँ पे मान लेते हैं एजेंट है। एजेंट क्या करेगा यहाँ से, इन्वायरमेंट से वो क्या होगा, यहाँ पे परसिप्ट लेगा कुछ और उसके अकॉर्डिंग इस पर कुछ एक्शन देगा। और किसके थ्रू करेगा ये, तो इसमें एक सेंसर होंगे और एक इफेक्टर होंगे यहाँ पे, इनको एक्चुएटर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक ह्यूमन बींग्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ह्यूमन बींग्स ने इन्वायरमेंट के थ्रू कोई इनपुट ली, फिर उस पर कुछ एक्शन किया, इन्वायरमेंट को दिया। तो ये होता है। अब इसमें देख लेते हैं हमने जो जो टर्म यूज़ किए वो क्या है। हमने क्या टर्म यूज़ किए, परसेप्ट्स। परसेप्ट्स क्या कह सकते हैं, परसेप्ट इज ए इनपुट फ्रॉम इन्वायरमेंट। और हमने क्या यूज़ किया, एक्शन। एक्शन क्या होगा, वर्ड एक्शन परफॉर्म ऑन इट बाय एजेंट। तो परसेप्ट क्या होगा, इन्वायरमेंट से क्या उसने इनपुट ली। एक्शन क्या होगा कि हमने उस पर एक्शन परफॉर्म करने के बाद इन्वायरमेंट को क्या आउटपुट भेजी। फिर ये करते किसके थ्रू है, एजेंट सेंसर और इफेक्टर या एक्चुएटर के द्वारा। अब ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेते हैं, इन्वायरमेंट में हमारे सेंसर क्या होंगे, सेंसर जिससे हम सेंस कर सके इन्वायरमेंट को, जैसे आइज, ईयर्स, हैंड, ऑल आर सेंसर। दोज क्या करेंगे, यहाँ से इनपुट लेंगे, परसिप्ट करेंगे फ्रॉम द इन्वायरमेंट। और जो एक्चुएटर है वो क्या करेंगे, इस पर एक्शन परफॉर्म करने के लिए काम करेंगे। सॉरी, यहाँ हैंड नहीं आएगी क्योंकि हैंड हमारा वर्किंग लाइक एज ए इफेक्टर। तो हैंड, लेग, दोज आर वर्क लाइक एज ए इफेक्टर और एक्चुएटर। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इफेक्टर क्या है, आर दोज बाय विच वी कैन बी कैन परफॉर्म द एक्शन। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी मैरिज का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैरिज में डीजे है, डीजे की वॉल्यूम बहुत हाई है, हाई वॉल्यूम है। तो क्या होता है, हमें जो हाई वॉल्यूम जो सुनाई दे रही है वो किसके थ्रू, थ्रू परसिप्ट। परसिप्ट में सेंसर, सेंसर क्या काम कर रहा है हमारा, यहाँ पे ईयर, ईयर के थ्रू हमें हाई वॉल्यूम का पता चल रहा है। तो इफेक्टर उस टाइम पे क्या काम करेगा कि हम पुट आवर हैंड ऑन द ईयर्स। तो हम क्या करते हैं, अपने हैंड को ईयर्स के ऊपर रख लेते हैं ताकि वो हाई वॉल्यूम हमें परेशान ना करे या हमारे कानों तक ज़्यादा ना पहुँचे। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इन्वायरमेंट से क्या आ रही थी, डीजे की वॉल्यूम आ रही थी हमारे पास, डीजे इज हेयर इन्वायरमेंट। देन जो परसिप्ट है, सेंसर ने क्या काम किया, हमारे ईयर्स ने उस वॉल्यूम को सुना। एजेंट ने क्या किया कि वॉल्यूम हाई है तो उस पर एक एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया, पुट योर हैंड ऑन द ईयर, अपने हैंड किस पे पुट कर लिए, कान पे। तो ये क्या है, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स क्या कर रहा है, तो परसिप्ट्स और एक्शन कैसे कर रहा है, सेंसर इफेक्टिव के हेल्प से। तो हम यहाँ सेंसर की डेफिनेशन, एजेंट की डेफिनेशन लिखे, तो क्या डेफिनेशन हो सकती है एजेंट की, तो एजेंट कैन बी व्यूड एनी थिंग्स अपॉन परसेप्ट्स इट्स एनवायरमेंट। किसके थ्रू, थ्रू द सेंसर, एंड एक्ट अपॉन द एनवायरमेंट थ्रू द
एक्चुएटर। तो ये तो है एजेंट की, एजेंट क्या करता है, व्यूड एनीथिंग अपॉन द परसेप्ट्स इट्स इन्वायरमेंट थ्रू द सेंसर, एंड एक्ट एक्ट कैसे करता है अपॉन द इन्वायरमेंट थ्रू द एक्चुएटर। एक्चुएटर मीन्स यहाँ पे फैक्टर भी हो सकते हैं, एक्चुएटर एंड फैक्टर बोथ आर द सेम थिंग्स। ये डेफिनेशन है। ये तो हमने ह्यूमन बींग्स का एक जर्नली एग्जाम्पल लिया है, जो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के बजाय रोबोट हो तो कैसे होगा, यहाँ पे हम रोबोट ले लेते हैं तो तब क्या सेंसर और सेम इन्वायरमेंट रहेगा हमारे पास, परसेप्ट रहेंगे, एक्शन रहेंगे, बस क्या चेंज हो जाएंगे इनके सेंसर। सेंसर क्या चेंज होंगे, सेंसर जो रोबोट है वो किससे सेंस करता है, कैमरा से, उसके पास कैमराज होते हैं देखने के लिए, आइज़ की बजाय क्या यूज़ करेगा कैमरा, साउंड के लिए क्या यूज़ करेगा माइक्रोफोन, और जो एक्शन है वो एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, व्हील्स होती है उसके पास, लाइट, स्पीकर, मोटर्स, ऑल आर द जो इस पे एक्शन परफॉर्म किए जाएंगे, इफेक्टर या एक्चुएटर रोबोट में होंगे। तो रोबोट में क्या होगा, कोई चीज़ सेंस करेगा किसके थ्रू, जैसे उसने कुछ देखना है इन्वायरमेंट से, उसने कुछ सीन आउट करना है तो कैमरा के थ्रू परसेप्ट जाएंगे, और एक्शन किस पे किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी उसका एक्शन होगा इससे रिलेटेड वो अपनी ये सब चीज़ें यूज़ करके इन्वायरमेंट को बताएगा। तो ये थी रोबोट की। तो जब ये तो बेसिकली हमने डेफिनेशन पढ़ी कि क्या डेफिनेशन होती है एजेंट की, तो अब क्या कह सकते हैं, एजेंट कुड बी एनीथिंग विच मेक द डिसीजन लाइक द ह्यूमन बींग्स। अब इसमें दोनों में एक रिलेशन होता है, सेंसर और इफेक्टर में क्या रिलेशन है, सेंसर और इफेक्टर में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन द सेंसर एंड एक्चुएटर, क्या कह सकते हैं हम इनका रिलेशन, कि भाई जब कोई इसने सेंसर ने फाइंड आउट किया तो उस पर जो एक्शन परफॉर्म किया गया, तो वही एक्शन हम यहाँ पे ऑप्शन ले सकते हैं कि भाई इनमें लिंक कैसे होता है, कि भाई जब भी हमने डीजे की हाई वॉल्यूम सुनी तो उसी टाइम हमने अपने हाथ अपने कानों पे रख लिए, तो हमने देखा कि इन दोनों में रिलेशनशिप है, एक जब सेंसर काम करता है तो साथ में उस पर एक्शन भी परफॉर्म किया जाता है। अब बात करते हैं एजेंट फंक्शन और प्रोग्रामिंग कैसे करता है। ये तो थी कि एजेंट होता क्या है, अब एजेंट है जो फंक्शन कैसे करता है, एजेंट है, एजेंट क्या करते हैं, एजेंट फंक्शन करते हैं, और एजेंट क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। अब फंक्शन कैसे करता है, प्रोग्राम क्या करता है, फंक्शन को क्या कह सकते हैं, मैपिंग ए परसेप्ट्स विद एक्शन, मीन्स जो भी परसिप्ट, जो भी जैसे है यहाँ पे इन्वायरमेंट था, इन्वायरमेंट से क्या कर रहा था, कोई परसिप्ट आ रही थी परसिप्ट, उसके बाद एजेंट क्या कर रहा था, उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा था और आउटपुट दे रहा था। तो ये जो परसिप्ट लिया और उसने जो एक्शन परफॉर्म किया, इसके बीच की जो मैपिंग होती है उसको क्या कहते हैं, एजेंट फंक्शन कहते हैं। तो इन नॉर्मल लैंग्वेज वी कैन से दैट इनपुट से आउटपुट देने में जो प्लानिंग की, एजेंट ने जो प्लानिंग की, उसको क्या कहेंगे, फंक्शन, एजेंट फंक्शन। तो मैपिंग ए परसेप्ट विद एक्शन मीन्स इनपुट से आउटपुट देने में जो भी उसको प्लानिंग की, उसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज ए फंक्शन। और प्रोग्रामिंग क्या है, एजेंट ने उसका आंसर देने के लिए क्या कोडिंग यूज़ की है उसको हम क्या कह सकते हैं, या क्या इम्प्लीमेंटेशन किया है उसको हम कह सकते हैं एजेंट प्रोग्राम, इम्प्लीमेंट द एक्शन दैट बिल्ट एजेंट फंक्शन। एजेंट के फंक्शन बनाने के लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन किया गया, मीन्स क्या कोडिंग उसने यूज़ किया उसको हम कह सकते हैं प्रोग्रामिंग। तो कैसे काम करता है, एजेंट ने फंक्शन यूज़ किया मीन्स प्लानिंग कर लिया आउटपुट देने के लिए, फिर उस पर कोडिंग यूज़ की गई मीन्स एजेंट ने प्रोग्रामिंग की उसके ऊपर, और फिर क्या है उसको इन्वायरमेंट को सेंड कर दिया। इस तरीके से जो है एजेंट अपना काम करता है। ये तो एजेंट के काम थे। अब एजेंट देख लेते हैं, एजेंट किस किस तरह के हो सकते हैं, क्या क्या एजेंट में फंक्शनैलिटी होनी चाहिए वो देख लेते हैं। अब एजेंट को समझने से पहले कि किस टाइप के एजेंट होते हैं, पहले रेशनलाइटी रेशनलाइज
50 पढ़ेंगे, रेशनलाइजेशन क्या होता है. रेशनलिटी इज़ द नथिंग बट स्टेटस ऑफ बींग रीजनेबल सेंसेबल एंड हैविंग द गुड सेंस ऑफ जजमेंट. तो रेशनैलिटी क्या कह सकते हैं, रेशनैलिटी कुछ नहीं होती, सिर्फ एक स्टेटस होता है जो बताता है कि जो आंसर दिया एजेंट ने वो रीजनेबल होना चाहिए, सेंसेबल होना चाहिए और हैविंग गुड सेंस ऑफ जजमेंट, और उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उसको आंसरिंग करने के लिए. तो क्या कह सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था डीजे का कि जब डीजे की वॉल्यूम आती है तो अपने हाथ उस पर कान पर रख लेना चाहिए कि ज़्यादा वॉल्यूम इफेक्ट ना करे हमारे ईयर्स को. लेकिन क्या है कि इसके बजाय उसको हम करें डीजे वाले को जाके मारपीट करना शुरू कर दे कि भाई आपने इतनी हाई वॉल्यूम की क्योंकि, तो ये सेंसेबल रीजन नहीं हो सकता या सेंसेबल हमारा टास्क नहीं हो सकता, मींस अच्छी आउटपुट नहीं है. कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो मारपीट करना दिस इज़ नॉट ए मैनर्स एंड नॉट ए गुड सेंस. तो क्या करे रैशनैलिटी जो एजेंट है वो ऐसा बिहेव करे कि वो रीजनेबल भी हो सेंसेबल भी हो, कि हमने रीजनेबल था अपने हाथ फिर कान पे रखे, सेंसेबल भी है कि भाई इससे ज़्यादा वॉल्यूम हमारे कान में नहीं जाएगी, और जजमेंट के अकॉर्डिंग भी सही है कि भाई हम ऐसे रोक सकते हैं हाई वॉल्यूम को अपने कानों में जाने से. तो रैशनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे. और रैशनैलिटी क्या हो सकती है, और रैशनैलिटी में क्या किया जाता है, परफॉर्मेंस मेजर की जाती है. परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, मेजर विच डिटरमाइन द डिग्री ऑफ सक्सेस. परफॉर्मेंस क्या देखेगा कि कितना सक्सेसफुल इसने आंसर दिया है, जो इसने एक्शन परफॉर्म किया है वो कितना सक्सेसफुली है. और क्या होता है रैशनैलिटी में, इफ रैशनैलिटी ऑफ द एजेंट डिपेंड ऑन द, और किस पे डिपेंड करता है, प्रसिप्ट सिक्वेंस चिल ना हो, जो उसने प्रसिप्ट का सिक्वेंस लिया है वो कौन सा यूज़ किया है, और क्या किस पे डिपेंड करती है रैशनैलिटी एजेंट्स, प्रसिप्ट सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है परसिप्ट का वो क्या यूज़ किया है, मीन्स वो सीक्वेंसली होनी चाहिए, इन ऑर्डर नहीं होना चाहिए. और क्या है द एजेंट नॉलेज अबाउट द इन्वायरमेंट. और फोर्थ क्या होना चाहिए, द एक्शंस that the agent can carry it out. तो rationality क्या है कि वो reasonable, sensible और judgment good way से sense से वो judgment करे, उसमें performance measure की जाए, means कि कितना actual उसने answer दिया है, कितना successfully answer है. एजेंट परसिप्ट सीक्वेंस स्टील, क्या सीक्वेंस उसने यूज़ किया. एजेंट नॉलेज अबाउट द इन्वायरमेंट, और जो एजेंट है उसको जिस इन्वायरमेंट में वो काम कर रहा है उसके बारे में उसको टोटली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. द एक्शन दैट कैन बी, दैट एजेंट कैन बी कैरिड आउट, और जो एक्शन है उस पर मीन्स जो भी परसिप्ट लिया इन्वायरमेंट से उस पर एक्शन कर सके एजेंट. तो ऐसा नहीं, ऐसा एजेंट होना चाहिए तो उसको बोला जाएगा रैशनैलिटी. जैसे एक एग्जाम्पल ले ले, एक टैक्सी ड्राइवर है, तो टैक्सी ड्राइवर क्या करेगा, वो हमें हमारी गोल स्टेट तक पहुँचाएगा, मीन्स हमें अपनी जो लोकेशन है जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचाएगा. तो वो क्या करेगा, उसके लिए मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए और शॉर्ट टाइम में उसको पहुँचाना चाहिए. तो क्या करेगा, उसको इन्वायरमेंट क्या है कि जहाँ से हम जा रहे हैं उसको रास्ते का पता होना चाहिए, या उसके पास GPS होना चाहिए, और क्या है उसको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कहाँ से जाएंगे, कहाँ से उसका शॉर्ट रास्ता पड़ेगा, और कॉस्ट भी कम आए, मीन्स उसका पेट्रोल भी कम लगे, ताकि हम अपने उस पर पहुँच सके. तो वे एक्शन दैट कैन बी कैरिड, कैन बी कैरिड आउट, कि हमें जहाँ पहुँच रहा है उसको उस लोकेशन के बारे में पता हो और वो अच्छे से उसके ऊपर एक्शन ले सके. तो ये होती है रैशनैलिटी. अब देख लेते हैं कि किस टाइप के एजेंट होते हैं. बात करते हैं एजेंट की, इंटेलिजेंट एजेंट. इंटेलिजेंट एजेंट किसे कह सकते हैं, जो वी हैव केयरिंग द फंडामेंटल फैसिलिटी, एक्टिंग कर सके, मीन्स अच्छे से उस पर एक्ट कर सके, सेंस कर सके, सेंसिंग, अंडरस्टैंड कर सके, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, लर्निंग एंड मस्ट बी ऑटोमस और रैशनल.
इंटेलिजेंट किसे एजेंट किसे कह सकते हैं जो अच्छे से एक्टिंग कर सके, उसको सेंस कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, रीजनिंग लगा सके, लर्न कर सके, और मस्ट बी ऑटोमस, ऑटो मीन्स मंस फ्रीडम, फ्रीडमली आंसर दे सके, जो भी उसको एक्शन परफॉर्म करना है वो बिना किसी उसके फ्रीडम से उस पर एक्शन परफॉर्म कर सके। रैशनल हमने पढ़ा कि रैशनल जो है जजमेंट है गुड होनी चाहिए, मीन्स एक्शन जो है राइट आंसर परफॉर्म करना चाहिए, ऑलवेज राइट होना चाहिए, वी कैन से दैट दिस इज द इंटेलिजेंट एजेंट। फिर आता है ऑटोमस एजेंट, ऑटोमस एजेंट किसे कह सकते हैं, डिसाइड ऑटोमसली विच एक्ट टू द टेक इन द करंट सिचुएशन टू द मैक्सिमम द प्रोग्राम टूवर्ड इस गोल, तो उसको क्या है अपने गोल तक पहुँचने के लिए जो आंसर देगा, जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो फ्रीडमली उस पर एक्शन परफॉर्म कर सके, ताकि जो गोल प्रोवाइड किया जाए वो अच्छे से मैक्सिमम परफॉर्मेंस उस पर आए। तो क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं इसके, डिसाइडेड ऑटोमस या फ्रीडमली। टू मैक्सिमाइज तो करंट सिचुएशन से मैक्सिमाइज द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को मैक्सिमाइज करें गोल की साइड जाते हुए, मींस इसको फ्रीडम हो अपने गोल का आंसर देने के लिए और उसकी परफॉर्मेंस अच्छे से आए, मैक्सिमम आए। फिर क्या कह सकते हैं रैशनल, अगला टाइप कौन सा हो सकता है, रैशनल एजेंट, वी नो दैट व्हाट इज़ द रैशनल, तो रैशनल एजेंट क्या होगा, ऑलवेज डज द राइट थिंग्स, डज द राइट थिंग्स। सेकंड क्या कह सकते हैं इसके बारे में हम, एक्शन दैट मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मेजर द गिवन पर, इसमें क्या कह सकते हैं हम, जो रैशनल एजेंट होगा, रैशनल एजेंट कौन सा होगा, ऑलवेज डू द राइट थिंग, जो हमेशा राइट थिंक करेगा, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली अवेलेबल, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता हमेशा कि वो राइट आंसर दे सके, या ह्यूमन बींग्स का भी एग्जांपल ले कि हमेशा जो आंसर आए वो ऑलवेज राइट हो। एक्शन दैट मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द परफॉर्मेंस, जो एक्सपेक्टेशन है हमें परफॉर्मेंस से उससे बेटर रिजल्ट दे, उसको क्या कह सकते हैं, रैशनल एजेंट कह सकते हैं। अब जो रैशनल एजेंट है उसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, तो एक बार वो देख लेते हैं, एक तो होता है रैशनल परफेक्ट, और एक होता है बाउंडेड रैशनल। तो इसमें क्या कह सकते हैं, परफेक्ट का मतलब क्या है, जो परफेक्टली मीन्स ऑलवेज डू द एवरीथिंग इज परफेक्ट, मीन्स हमेशा जो आंसर दे वो क्या दे, हम परफेक्ट रैशनल के बारे में कह सकते हैं एक ऐसा एजेंट जो नो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, तो ऐसा सिर्फ बुक्स में अवेलेबल है, ऐसा एक्चुअल में नहीं हो सकता कि ऐसा कोई भी एजेंट हो जो सब कुछ जानता हो, मींस रैशनल एजेंट आर नॉट ओमनीसेंट, वी कैन से दैट रैशनल एजेंट आर नॉट ओमनीसेंट, मीन्स जिसको सब कुछ पता हो ऐसा नहीं हो सकता। बट परफेक्ट रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है कि एजेंट नो एवरीथिंग, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, बट नॉट पॉसिबल, ओनली अवेलेबल इन द बुक। फिर बात करते हैं
बाउंडेड रैशनैलिटी, बाउंडेड क्या होगी, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स ह्यूमन माइंड, ह्यूमन मस्ट बी अप्रोक्सीमेट मेथड टू हैंडल द मैनी टास्क। तो उसके पास बाउंडेड, इसमें कुछ बाउंडेशन लगा दी जाती है कि कुछ लिमिटेशन है जिसके अकॉर्डिंग वो इस पर काम करेगा, इसका आंसर देगा, उसको बोला जाएगा बाउंडेड रैशनैलिटी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ द एजेंट एंड हाउ दे वर्किंग एंड आल्सो लर्न द पीस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।